नमस्कार, स्वागत है आपका आईबीएन 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली समेत देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश से कोहरा मचा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश, सबसे ज्यादा असर उत्तराखंड में देखने को इसका मिल रहा है। मौसम विभाग ने हिमाचल और उत्तराखंड के कई जिलों में 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। उत्तराखंड की कई नदियां उफान पर हैं। रानीखेत में लगातार बारिश की वजह से बुधवार को जगह जगह लैंडस्लाइड हुई है। उधर बीते दो दिनों से भारी बरसात से झेलम जो उमस है उससे लोग झेल रहे हैं। दिल्ली वासियों को आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने राहत तो दी, पर साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल जमाव भी हो गया है। दिल्ली के साथ साथ कोलकाता में लोगों को इस लगातार हो रही बारिश से काफी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। देश के अन्य हिस्सों में भी भारी बारिश के बाद जाम और जलभराव जैसी खबरें आ रही हैं। हम आपको 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से हो रही तेज बारिश से लोग परेशान भी हैं। बारिश के बाद पारा लुढ़क कर 30 डिग्री से भी कम रह गया है। बीते दो दिनों से भारी उमस झेल रहे दिल्ली वासियों को आज सुबह हुई झमाझम बारिश ने राहत तो दी, पर साथ ही दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जल भराव भी हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आज होने वाली बारिश शाम तक ऐसी ही होती रहेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से सटे नोएडा की, जहां पूरे दिल्ली में और एनसीआर रीजन में सुबह से ही बारिश हो रही है। कल रात भी बारिश होती रही है और मौसम विभाग का कहना है कि मौसम यूं ही बना रहेगा, लेकिन इस बरसात से लोगों को परेशानी भी हो रही है क्योंकि जगह जगह पानी भर जाने से ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। और ये अब हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं मथुरा की, जहां पर देखिए किस तरीके से जब बारिश हुई उसके बाद ट्रैफिक जाम लग गया है वहां पर। और अगर आप सड़कों पर भी देखें तो सड़कों में भी पानी यहां पर भरा हुआ नजर आ रहा है। और इसी तरीके का हाल पूरे उत्तर भारत में भी है, जहां पर लगातार बारिश हो रही है पिछले कुछ दिनों से, और मौसम विभाग का कहना है कि अगले आने वाले कुछ दिनों में यूं ही हाल बना रहेगा। और दिल्ली एनसीआर को हो रही परेशानी पर डीएनडी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी। ब्रजेश, लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, आज भी बारिश हो रही थी। ये बताइए कि बारिश से मौसम तो सुहाना हुआ ही है, लेकिन तकलीफें किस तरीके से बढ़ गई हैं? देखिए, तकलीफों की अगर हम बात करें तो जगह जगह दिल्ली के इलाके करें, दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, नोएडा की बात करें, जगह जगह वाटर लॉगिंग हुई है। वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक की भारी समस्या है। फिलहाल मैं डीएनडी पे हूँ, आपको पहले यहाँ की बारिश की तस्वीरें आपको कुछ दिखा दूँ कि यहाँ पे क्या कुछ हालात हैं। काफ़ी देर से यहाँ पे बारिश हो रही है और बारिश की वजह से ये मेरे सड़क के दूसरे तरफ मैं आपको दिखा दूँ हादसे भी हुए हैं। एक गाड़ी है जो अब से कुछ देर पहले ही एक्सीडेंट हुई है यहाँ पे। इस तरह की तकलीफें बढ़ रही हैं और इसके अलावा तमाम इलाके हैं, साउथ एक्स की बात करें दिल्ली में या फिर नॉर्थ एक्सप्रेसवे की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं जहाँ पर वाटर लॉगिंग हो गई है और सुबह से ही ट्रैफिक काफ़ी स्लो चल रहा है। फिलहाल अभी ट्रैफिक सामान्य होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी वक्त लगेगा सामान्य होने में। ये मुश्किलें हो रही हैं, खास करके जो सुबह लोग दफ्तर के लिए निकले थे उनमें से कुछ ज़्यादातर लोग देरी से भी पहुंचे। ये तमाम मुश्किलें हैं। और हालांकि मौसम विभाग ने इस हफ्ते इस बात की चेतावनी दी थी कि शुरुआत से लगातार बारिश होगी, हफ्ते की शुरुआत से बारिश हो रही है। थोड़ी बहुत मुश्किलें ज़रूर हैं, लेकिन लोग इस बात का भी शुक्रगुजार मना रहे हैं कि बारिश होने की वजह से मौसम ज़रूर सुहावना हुआ है। बिल्कुल, मौसम जरूर सुहाना हो गया ब्रिटिश, लेकिन हम अपने दर्शकों को ये जरूर कहना चाहेंगे कि बारिश के मौसम में जब आप सड़क पर वाहन लेकर निकले तो सावधानी से चलाइए, क्योंकि अभी जैसे ब्रिटिश भी दिखा रहे थे कि एक एक्सीडेंट भी यहां पर हुआ है। ब्रिटिश, ये बताइए मौसम विभाग क्या कह रहा है, क्या पूरे उत्तर भारत में इसी तरीके का हाल बना रहेगा? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने पहले इस बात की चेतावनी दे दी थी कि सोमवार से पूरे पूर्वोत्तर में, खास करके दिल्ली एनसीआर के जो इलाके हैं, लगातार बारिश होगी। बीच में शुरुआती हफ्ते के शुरुआती दिनों में रुक रुक के बारिश होने की चेतावनी दी गई थी और यही हुआ। सोमवार और मंगलवार की अगर हम बात करें तो उस दिन भी बारिश हुई थी, रुक रुक के बारिश हुई थी, लेकिन आज सुबह से जो बारिश शुरू हुई है अब तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। बीच में ज़रूर बारिश की रफ्तार हल्की हो गई थी, लेकिन
मौसम विभाग की माने तो लगातार इस हफ्ते लगातार ऐसे ही बारिश होगी, रुक रुक के बारिश होगी, कभी तेज होगी कभी कम होगी, और इन सब के बीच मुश्किलें जरूर लोगों के लिए होंगी क्योंकि ट्रैफिक से जुड़ी समस्या, एक्सीडेंट से जुड़ी समस्या, ये तमाम समस्याएं सामने आएंगी और साथ ही लोगों को गर्मी से भी निजात मिलेगा, लेकिन बारिश पूरे हफ्ते होती रहेगी। बिल्कुल ब्रजेश, बारिश पूरे हफ्ते होती रहेगी, मौसम जरूर सुहाना हो जाएगा, लेकिन ब्रजेश ये बताइए, ये तो शुरुआत है, पानी भरना जरूर शुरू हो गया, वाटर लॉगिंग की समस्या आप यहाँ पर बता रहे हैं, एमसीडी के जो दावे किए गए थे कि वाटर लॉगिंग नहीं होगी, हर साल किए जाते हैं, उसकी क्या, उसका क्या हाल है? बिल्कुल, देखिए अगर वाटर लॉगिंग की बात करें तो हर बार जब भी इस तरह के मौसम आते हैं, बारिश का मौसम आता है, तो उस वक्त एमसीडी की बात करें या फिर नोएडा की भी अगर हम बात कर लें तो यहाँ भी प्रशासन ये दावे करता है कि इस बार हालात सुधार लिए गए हैं, नालियों की सफाई का काम पूरा हो गया है और जब बारिश होगी तो किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जब जब बारिश होती है परेशानी दिखती है। और आज की हम बात करें तो आज जिस हिसाब से सुबह से बारिश हो रही है, दिल्ली के कई इलाके की बात कर लें, लक्ष्मी नगर की बात कर लें, अक्षरधाम इलाके की बात कर लें, आईटीओ के आसपास के इलाके जो हैं वहाँ की बात कर लें, ये तमाम वो इलाके हैं जो वाटर लॉगिंग से परेशान हैं, अभी भी उन इलाकों में पानी लगा हुआ है, लोग परेशान हैं, लेकिन जो एमसीडी के दावे होते हैं वो ऐसे ही मौसम में खुल के सामने आते हैं कि आखिरकार क्या कुछ पहले दावा किया जाता है और तस्वीरें क्या कुछ बाद में निकल के आती हैं। बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, राज्य के पहाड़ी इलाकों में हो रही मूसलाधार बारिश से हर तरफ कोहरा मचा हुआ है, पौड़ी में एक गांव में बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है, बारिश की चपेट में आने से गाँव की सड़क पर खड़ा ट्रक, एक कार और तीन बाइक बह गए, देवप्रयाग के सिसेट और सुन्नी गाँव में भी बादल फटने की खबरें आ रही हैं। उत्तराखंड में पौड़ी जिले में गुरुवार को भारी बारिश की वजह से एक मकान ढह गया, इसके मलबे में दबने से चार बच्चे समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई, भारी बारिश के चलते कई नदियां भी उफान पर हैं, रानीखेत में भी लगातार बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। नाली बंद हो रही है इसलिए पानी आ रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है, तीन चार दिन हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, बहुत ही दिक्कत हो रही है, सड़कों में पानी भर जा रहा है पूरा, हाँ, नाली भी बंद हो रही है, नगर पालिका कुछ कर नहीं रहा है, इससे बहुत परेशानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के भी कई इलाकों में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे बंद हो गया है, भारी बारिश के बाद में कई अमरनाथ यात्री रास्ते में फंसे हुए हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रामबन में जहां पर लैंडस्लाइड हुआ है और लोगों को किस तरीके से परेशानी हो रही है, लगातार ये जो बारिश हो रही है पिछले हफ्ते से उससे पानी जगह जगह पर भर गया है, अगर आप देखें तो पूरा जो जनजीव जो यहाँ पे लाइफ है वो एक स्थिर हो गई है, शॉप्स जो है वहाँ पे सारी दुकानें वो सब बंद हैं यहाँ पर, और जो अमरनाथ यात्री है वो भी कई इस बारिश से फंसे हुए हैं क्योंकि ऊपर का रास्ता तय करना अब इतना आसान नहीं रह जाता, और यह हम आपको तस्वीरें सीधे दिखा रहे हैं जहां से अमरनाथ यात्री ऊपर जाते हैं, और क्योंकि यहां पर लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है तो ये सारे जो यात्री है यहां पर फंस गए हैं, ऐसे मौसम में ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं है, तो इंतजार इस बात का हो रहा है कि कब मौसम ठीक हो और आगे का रास्ता जो है वो तय किया जाए। और रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान भी बारिश के कहर से बच नहीं पाया, राजस्थान के झुंझुनू और सीकर में बीते 24 घंटे से लगातार रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, झुंझुनू में मूसलाधार बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और वहीं दर्जनों मकान और दुकान में पानी भर गया है, मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे में जयपुर बीकानेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। तो ये तस्वीरें जयपुर की है, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो जल जमाव का तस्वीरें सामने आ रही है, यहाँ पर भी पानी भरा हुआ, लगातार पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है, मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कि यूं ही बारिश होती रहेगी, इसलिए जब भी बाहर निकलें आप घर से एहतियात के साथ घर से बाहर कदम रखें। और इस सीकर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से ये जो बरसात का पानी है वो घरों के अंदर तक घुसने लगा है, और यहाँ अगर आप देखें तो सड़कें आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगी, ये राजस्थान की सीकर की तस्वीरें हैं, और ये अगर आप तस्वीरें देखें तो लोगों को परेशानी किस कदर हो रही है इस बरसात से वो साफ नजर आ रहा है।
और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भी बीते 24 घंटे से हो रही बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया है। कोलकाता में लोगों को इस लगातार हो रही बरसात से काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें कोलकाता की, जहां पर गाड़ियां सड़कों पर रेंग रेंग कर चल रही हैं क्योंकि बरसात का पानी सड़कों पर भरा हुआ है और इसी से मुश्किलें पैदा हो रही है। कई बार जब ऐसे सड़कों में बरसात का पानी भर जाता है तो कार बंद हो जाती है और कार के इंजन में पानी चला जाता है। अगर यहाँ पे अगर देखें तो ये एक दूध वाला साइकिल लेके जा रहा है, घुटनों तक पानी यहाँ पर भरा हुआ है और लोगों को काफी यहाँ पर परेशानी हो रही है। और बारिश का कहर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भी देखने को मिला। शिमला में एक बस खाई में गिर गई। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 17 लोग घायल हो गए। यह हादसा रामपुर के पास हुआ है।